एपिसोड शुरू होता है और हम इन दोनों को बेसमेंट में देखते हैं, जहां पर जो ने विंसेंजो पर गन पॉइंट की हुई थी। ये देखकर विंसेंजो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक गोल्ड बार चाहिए। फिर वो एक गोल्ड बार उठाता है और विंसेंजो को धमकी देता है कि वो इसका पीछा ना करे। दरअसल इस गोल्ड बार के अंदर एक पेन ड्राइव थी और इसी पेन ड्राइव के अंदर ग्यूलोटिन फाइल थी, यानी कि जोसेफ उस फाइल को लेना चाहता था। खैर आगे विंसेंजो भी एक गोल्ड बार उठाता है और यहाँ से बाहर निकलकर जो को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो ग्लूटेन फाइल चाहिए थी और तुम सिर्फ उस फाइल के लिए ही मेरा साथ दे रहे थे। ये बात सुनकर जो शॉक हो जाता है। तभी विंसेंजो उसके हाथ से गन छीन लेता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ आखिर में विंसेंजो उसे काबू कर लेता है और उसके हाथ से वो गोल्ड बार भी छीन लेता है। इसी बीच वो ये देखता है कि जो की गन में एक भी गोली नहीं थी। फिर वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग अब भी दोस्त हैं, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। तब वो बताता है कि मैं इंटेलिजेंस सर्विस में एक स्पेशल एजेंट हूँ। इसी बीच हमें पता चलता है कि वांग शाओलिन की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जो ने की थी। उसने उसे खुद ही पॉइजन देकर मारा था, साथ ही साथ उसने उसका आईज डेटा भी ले लिया था, यानी कि जो के पास वांग का आयरिस रिकॉग्निशन डेटा पहले से ही मौजूद था। पर उसने विंसेंजो को झूठ बोला कि वो वांग के म्यूजियम से डेटा लेकर आया है। ये सब बात पता लगने पर विंसेंजो पूछता है कि तुमने मेरे साथ दोस्ती क्यों की, जिस पर वो कहता है कि तुमसे मिलना तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि इटली में तुम्ही ने मेरी जान बचाई थी। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग पिकनिक पर जा रहे थे, लेकिन तभी मिस्टर ताक कहता है कि आखिर विंसेंजो और जो ने हमें सडनली पिकनिक पर जाने के लिए क्यों भेज दिया, जिस पर पार्क कहता है कि शायद वो दोनों गोल्ड निकाल रहे होंगे। इतना सुनते ही सभी लोग वापस प्लाजा आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ पाते, योंग विंसेंजो के पास कॉल करके इस बारे में बता देती है और उनके पहुंचने से पहले ये दोनों सब कुछ सेट करके बुद्धा के सामने प्रेयर करने लग जाते हैं। उन सबको देखकर विंसेंजो कहता है कि आज तो हम दोनों अपनी प्रेयर में बिजी हैं, इसीलिए तुम सब हमें अकेला छोड़ दो। और जब ये सभी यहाँ से चले जाते हैं तो जो विंसेंजो को बताता है कि जल्दी जल्दी में तुमने मेरी जैकेट को भी बेसमेंट के अंदर फेंक दिया है, जिसके अंदर वो आयरिस रिकॉग्निशन डेटा था। ये सुनते ही विंसेंजो के होश उड़ जाते हैं और वो उल्टा जो के ऊपर ही चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि सिर्फ उस डिवाइस की हेल्प से ही ये लोग लॉकर को ओपन कर सकते थे। जिसके बाद विंसेंजो प्लाजा के सभी लोगों के सामने ड्रामा करता है और रोते हुए कहता है कि तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसी बीच विंसेंजो योंग और नम को बताता है कि अब हम लोग बेसमेंट को कभी भी ओपन नहीं कर पाएंगे। जो सुनते ही नम तो बेहोश हो जाता है। फिर विंसेंजो उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि हमारे पास बिल्डिंग को तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वहीं जुन अपने टावर का ऑक्शन करके काफी खुश हो रहा था, पर तभी हान उसे ग्यूलोटिन फाइल के बारे में बताता है और ये सब पता लगने पर जुन हान को फाइल ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर हंग विंसेंजो को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें वाबल केमिकल यूनियन लीडर अपने लीडर की बॉडी का फ्यूनरल होने नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी विंसेंजो की नजर एक पर्सन पर पड़ती है, जिसके हाथ पर नाइफ का टैटू बना हुआ था। जो देखकर विंसेंजो कहता है कि ये लेबर के लोग नहीं है बल्कि ये एक खतरनाक गैंग है, जो कि हमारे प्लाजा पर भी अटैक करने के लिए आई थी, और ये लोग इसीलिए लीडर की बॉडी का फ्यूनरल नहीं होने दे रहे ताकि यूनियन लेवल का मॉरल बिल्कुल ही खत्म हो जाए। फिर हंग कहता है कि आप तो वुसांग को लग रहा होगा कि हम कंपनी को समन नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरा मेन विटनेस तो मारा जा चुका है और इसके अलावा मेरे पास कोई और विटनेस भी नहीं है। जो देखकर योंग कहती है कि अगर हम पहले केस में ही फेल हो गए तो बाकी 6 केसेस भी फेल हो जाएंगे, इसलिए अब हमें दोबारा से एविडेंस ढूंढने होंगे। फिर योंग इन्हें बताती है कि जुन वेस्टर्न टीम को डायरेक्टली सुपरवाइज करता है और यूनियन लेबर के सारे मैटर्स विजन टीम ही संभालती है, इसलिए अब ये लोग विजन टीम के लीडर को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। इधर हांस की वो अकेले में हांस से मिलता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ चला गया और मेरा भाई अब मुझे जरूर मार डालेगा। जिस पर हान कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास एक और प्लान है। वो उसे कहता है कि तुम दोबारा से स्टूपिड बनने का ड्रामा करो ताकि तुम्हारे भाई को ये लगे कि तुम्हारा उसके अगेंस्ट जाने का कोई भी फायदा नहीं है, और बाद में मौका देखकर तुम उस पर अटैक कर देना। इसी बीच विंसेंजो और योंग को पता चलता है कि कल जुन अपनी आइडेंटिटी पब्लिक करने वाला है और ये न्यूज देखने के बाद ये लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी ओर हान म्योंग को बताता है कि कल इनॉग्रेशन के बाद प्रोसिक्यूटर हंग कंपनी को एंटी यूनियन एक्टिविटीज के बारे में सवाल पूछने के लिए समन करेंगे और मुझे तो लग रहा था कि लीडर के मरने के बाद वो लोग गिव अप कर देंगे। जिस पर म्योंग कहती है कि शायद वो अब अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए समन भेज रहा है, क्योंकि अब कोई भी विटनेस तो उसके पास है ही नहीं। अगले दिन जुन और हांसियो दोनों रेडी होते हैं और इनॉग्रेशन सेरेमनी में पहुंच जाते हैं। वहीं विंसेंजो अपनी टीम के साथ मिलकर यूनियन के नए लीडर बे को किडनैप कर लेता है। दरअसल बे पहले वाले यूनियन लीडर का फ्रेंड था, लेकिन बाद में उसने उसके साथ चीट करके बाबल कंपनी के साथ हाथ मिला लिया। अब योंग बे को डरा धमका कर पूछती है कि क्या हेडक्वार्टर्स ने तुम्हें यूनियन को बर्बाद करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे, जिस पर बे हां कह देता है।
जिसके बाद योंग बे के साथ एक डील करती है। फिर बे विजन लीडर के पास कॉल करके कहता है कि मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, वरना तुमने जो मुझे यूनियन के अगेंस्ट ऑर्डर दिए थे उन्हें मैं पब्लिक कर दूंगा। फिर विंसेंजो हंग को बताता है कि विजन टीम ने ही यूनियन टीम के लीडर को यूनियन मेंबर को दबाने के लिए कहा था, जिस पर योंग पूछती है कि क्या यह एविडेंस काफी है विजन टीम पर रेड डालने के लिए, जिस पर जोंग हाँ कह देता है। साथ ही साथ विंसेंजो कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दरअसल विंसेंजो चाहता था कि हंग रेड वाली बात वूसेंग और बाबिल को पहले ही बता दे, ताकि ये पता लगने पर जब विजन अपनी सारी फाइल्स को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेगा तो ये लोग उन फाइल्स को अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि ये लोग साबित करना चाहते थे कि जुन ने ही विजन को इलीगल काम करने के ऑर्डर्स दिए थे। खैर आगे वांग जुन को समन भेजकर सवाल जवाब करने के लिए बुलाता है, जिसके साथ म्योंग भी आई हुई थी। वहीं दूसरी ओर विजन टीम के लीडर को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी सारी फाइल्स को एक पर्सन के हाथों ऑफिस से निकलवा देता है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन फाइल लेकर पार्किंग में पहुंचता है तो विंसेंजो उसे पकड़ लेता है। इधर म्योंग के पास मैसेज आता है कि सारी फाइल्स सिक्योर है, जो देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि सारी फाइल्स तो गायब हो चुकी है। खैर आगे भी विंसेंजो के कहने पर विजन लीडर के पास कॉल करता है और कहता है कि अगर वो जल्दी पैसे लेकर नहीं आया तो वो सारी फाइल्स को प्रोसिक्यूटर के पास सेंड कर देगा। जिसके बाद जुन अपना एक इवेंट अटेंड करने के लिए जाता है, जहां रिपोर्टर्स के साथ साथ काफी सारे लोग भी आए हुए थे। तभी विंसेंजो भी योंग के साथ यहां पर आ जाता है और दोनों इवेंट देखने लगते हैं, जहां जुन अपनी इलेक्ट्रिक कार के बारे में बता रहा था, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होता है जिसमें विजन टीम का लीडर और बे दोनों आपस में बाबिल ग्रुप को लेकर बात कर रहे थे। और इस वीडियो में ये रिवील हो जाता है कि जुन ने ही इन दोनों टीम्स को यूनियन के अगेंस्ट जाने के लिए कहा था। इसी बीच जुन के ऊपर काफी सारा पिग ब्लड गिरता है और ये सिचुएशन जुन के लिए काफी क्रिटिकल बन जाती है, क्योंकि अब सभी को पता चल चुका था कि बाबिल कंपनी किस तरह से काम करती है। हालांकि जुन इन दोनों को देख रहा था, जो कि उसकी हालत पर काफी हंस रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी इन्हें कुछ नहीं कह पाता। अब किसी तरह से यहाँ से जुन को बाहर निकाला जाता है, लेकिन बाहर आते ही जंग उसे एंटी यूनियन एक्टिविटीज के क्राइम में अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद हम हंग के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ हंग इन सभी से पूछताछ कर रहा था। योंग कहती है कि हमने तो सिर्फ जुन के साथ एक प्रैंक किया है, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड जो है। तभी म्योंग हंग को कहती है कि उसने वीडियो वेरीफाई करने से पहले अपना एक्शन कैसे ले लिया, तो हंग एक हार्ड ड्राइव दिखाते हुए कहता है कि वीडियो से अलग जो एविडेंसेस मिले हैं वही हमारे लिए काफी है। इसी बीच विंसेंजो इन्हें एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है, जिसमें योंग ने उस ट्रक ड्राइवर की स्टेटमेंट ली थी जिसने यूनियन के लीडर का ड्रिंक करके एक्सीडेंट किया था। इस रिकॉर्डिंग में वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि मुझे एक्सीडेंट करने के लिए वूसेंग फर्म ने ऑर्डर दिया था और उन्होंने इसके बदले मुझे काफी सारे पैसे भी ऑफर किए थे। फिर योंग और विंसेंजो खुशी खुशी यहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच योंग कहती है कि वो लोग हमारी चाल समझ नहीं पाए। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि विंसेंजो ने एंटी यूनियन फिल्स को ही नहीं बल्कि विजन टीम की डेटा को भी अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि ये लोग एंटी यूनियन की आड़ में बाबिल पेपर कंपनी को टारगेट कर रहे थे। इधर हांसी सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और कहता है कि मेरे भाई ने तो अभी अभी चेयरमैन की सीट संभाली है, इसलिए पुराने जितने भी डिसीजन लिए गए थे वो सारे मैंने ही लिए थे। तभी वूसेंग का सीईओ ताय वहां पर आ जाता है और हंग को कहता है कि बाबिल के कुछ एम्प्लॉयज पुराने चेयरमैन से काफी खुश थे, लेकिन अभी नए चेयरमैन के आने से वो लोग खुश नहीं हैं, इसीलिए वो लोग फेक एविडेंसेस निकाल कर न्यू चेयरमैन को फंसाना चाहते हैं। हालांकि हंग ताय की इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन ताय हंग को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है, इसीलिए मजबूरी में हंग इन्हें छोड़ देता है। दूसरी तरफ नम विंसेंजो को बताता है कि बाबिल ग्रुप की पेपर कंपनी माल्टा में है, जिसका नाम जेंसन है, और उस कंपनी की एक ब्रांच कोरिया में भी है, लेकिन हमें इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर ये लोग पार्क की हेल्प लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी कंपनीज का एक्सपर्ट है। वहीं ये सभी लोग रिलीज होने पर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। इसी बीच जुन हांसियो को कहता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन ये छोटा सा क्राइम अपने सर पर लेने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम्हें टैक्स इवेजन, इलीगल स्टॉक एक्विजिशन, ये सब कुछ भी अपने सर पर लेना चाहिए, तब जाकर मैं समझूंगा कि तुम काफी लॉयल हो। फिरहान हांसियो से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे बिना कुछ बताए हुए सारा इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया, जिस पर हांसियो कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और शायद ऐसा करके मैं अपने भाई का भरोसा जीत सकता हूँ। लेकिन तभी वो हान को कहता है कि मेरी विंसेंजो के साथ मीटिंग फिक्स करो, जिसके बाद मीडिया ये न्यूज फैला देती है कि एक प्रोसिक्यूटर ने बिना इन्वेस्ट किए बाबिल ग्रुप के चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि सारी मीडिया को भी जुन ने खरीदा हुआ था, जो देखकर हंग विंसेंजो को सॉरी बोलता है और कहता है कि अब तो सिर्फ गिलोटल फाइल इन सब करप्ट बिजनेसमैन को जेल भेज सकती है, लेकिन उस फाइल का अभी तक कोई भी पता नहीं था। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हंग ने ही जो को गिलोटिन फाइल ढूंढने का ऑर्डर दिया था और उसे ये भी पता है कि वो फाइल प्लाजा के नीचे है,
और जो ने आयरिस रिटेंशन डिवाइस को गलती से बेसमेंट के अंदर ही गिरा दिया था। इसीलिए अब उन्होंने सब विंसेंजो के ऊपर छोड़ा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता है कि विंसेंजो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। इधर म्योंग इटली में मौजूद पावलो के पास वीडियो कॉल करके उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। फिर हांसियो और हान विंसेंजो को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ हांसियो विंसेंजो को पूछता है कि क्या तुम मेरे भाई के साथ साथ मुझे भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरे भाई को मार सकते हो, इसके अंदर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम मुझे और बाबिल कंपनी को अकेला छोड़ दोगे। जिस पर विंसेंजो कहता है कि मैं तुम दोनों की दुश्मनी का फायदा नहीं उठाना चाहता, और जो तुम सोच रहे हो इस बारे में भूल जाना ही बेहतर है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पार्क विंसेंजो के सामने पेपर कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन देता है। वो बताता है कि ऐसी कंपनी टैक्स इवेजन और फेक न्यूज से स्टॉक बाय करना इसी तरह के काम करती है, और बाद में पकड़े जाने पर ये कंपनी जेल के साथ साथ टैक्स वालों को भी हाई रिटर्न के साथ पैसे पे करती है, और इस चीज से बचने के लिए जुन्ने जरूर अपने पैसों को वाइट करने का इंतजाम भी कर रखा होगा। जिस पर योंग कहती है कि हमें तो उसके रिकॉर्ड में सिर्फ टैक्स इवेजन और बाबिल ENC के स्टॉक्स बाय करने की एविडेंस मिले हैं। तो पार्क कहता है कि तुम्हें एक बार योंग से मिलना चाहिए, क्योंकि बाबिल से पहले वो पेपर कंपनी में काम करता था। जिसके बाद विंसेंजो और योंग दोनों स्टाइल क्लब में जाते हैं, जहां बाबिल कंपनी से निकल जाने के बाद योंग थ्रोट सिंगिंग करने का काम करता है। फिर विंसेंजो द्योग से मिलता है और उसे जुन की पेपर कंपनी जेंसन के बारे में पूछता है। तो द्योग बताता है कि मैं उस कंपनी में डेवलप्ड इन्फॉर्मेशन एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पहुंचाने का काम करता था, और वो लोग उस कंपनी को रागुसंग गैलरी के नाम से चला रहे थे, जहां वो आर्ट और क्राफ्ट के आर्ट में पैसों को वाइट करते थे और पेपर कंपनी के नाम से बाबिल ENC के शेयर्स बाय करते थे, ताकि इलीगल तरीके से CEO के शेयर्स इंक्रीज हो सके। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उस कंपनी में जाने के लिए तुम्हें डायरेक्टर्स के फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ प्लाजा के लोग गोल्ड ढूंढने के लिए ग्वांगजिन नाम के पर्सन को प्लाजा में बुलाते हैं, जो कि ट्रेजर वगैरह ढूंढने का एक्सपर्ट था, लेकिन वो इन्हें कहता है कि अब मैंने ट्रेजर ढूंढना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ये सब करके कोई भी खास प्रॉफिट हासिल नहीं हुआ है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सियोमेरी विंसेंजो को बताती है कि उस बेसमेंट के सिक्योरिटी सिस्टम और बिल्डिंग के डिमोलिशन सिस्टम को मैंने ही डिजाइन किया है, और मैं पहले सिक्योरिटी सिस्टम प्रोग्रामर और एक हैकर भी थी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और विंसेंजो पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि हमने तो उन सभी लोगों को मरवा दिया था। जिस पर सियोमेरी कहती है कि मुझे इस बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसलिए मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ से भाग गई, और वापस यहाँ पर आने पर मैंने दोबारा से काम शुरू नहीं किया, इसलिए मुझ पर किसी का शक भी नहीं किया। अब सियोमेरी ने कहती है कि हम लोग मिलकर उस गोल्ड को बाहर निकालेंगे, और मैं उस लॉकर को एक मिनट में ही खोल सकती हूँ। जिस पर विंसेंजो कहता है कि हमें कुछ टाइम और वेट करना होगा, क्योंकि वहाँ से गोल्ड निकालने में काफी टाइम लग जाएगा। जिसके बाद योंग और विंसेंजो रागुसंग गैलरी में जाते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी चेक करते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि ये गैलरी अपने प्राइवेट रेवेन्यू रेंट पर देती है, जो देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब नम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि वेन्यू 2 मंथ के लिए ऑलरेडी बुक है। तब सियोमेरी इनकी हेल्प करती है और उनकी रिजर्वेशन लिस्ट को हैक कर लेती है। इसी बीच इनकी नज़र एक कपल जॉर्ज और जेसिका पर पड़ती है, जिनका रिजर्वेशन 2 दिन बाद था, जो देखकर नाम विंसेंजो और योंग को कहता है कि तुम इन दोनों कपल्स की जगह पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर वहाँ चले जाओ, और सियोमेरी इन दोनों की फोटोज को उन कपल्स की जगह पर रिप्लेस कर देती है। जिसके बाद विंसेंजो और योंग दोनों जॉर्ज और जेसिका बनकर आर्ट गैलरी में जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज और जेसिका भी यहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन नम उन्हें यहाँ से प्लाजा में ले जाता है और वहाँ उनकी अच्छे से खातिरदारी करता है। इधर विंसेंजो और योंग को वहाँ की डायरेक्टर गैलरी दिखा रही होती है। इसी बीच डायरेक्टर विंसेंजो के लिए एक रिंग मंगवाती है, और विंसेंजो को इसे योंग को पहनाकर प्रपोज करने के लिए कहती है। दरअसल यहाँ पर रियल जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, और ये रिंग भी उसी की थी, इसीलिए अब इन दोनों को ड्रामा करना पड़ता है। फिर विंसेंजो योंग को प्रपोज करता है, साथ ही साथ इन दोनों को किस भी करनी पड़ती है, जिसके चलते एक रोमांटिक सीन बन जाता है। वहीं जॉर्ज भी टेंपल के अंदर जेसिका को प्रपोज कर देता है, जहां प्लाजा के लोगों ने इनके लिए अच्छी से सजावट की हुई थी, क्योंकि विंसेंजो नहीं चाहता था कि इन दोनों का टूर खराब हो जाए, इसीलिए उसने इनके लिए हर एक चीज अवेलेबल करवा रखी थी। खैर, अब इसी तरह से विंसेंजो और योंग एक आर्ट पीस को देखने के बहाने गैलरी के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। तभी एक वर्कर यहाँ पर आ जाता है और डायरेक्टर को बताता है कि आपसे 2 लड़कियाँ मिलना चाहती हैं और उन्होंने काफी हंगामा किया हुआ है। ये सुनते ही डायरेक्टर उस वर्कर के साथ इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके जाते ही ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। दरअसल बाहर जो 2 लड़कियाँ थी वो प्लाजा के लोगों में से ही थी, जो कि डायरेक्टर को अपनी बातों में लगा लेती है।
दूसरी तरफ सियोमेरी पार्क और उसके असिस्टेंट के साथ बाहर एक वैन के अंदर बैठी हुई थी। अब फाइनली विंसेंजो और योंग की हेल्प से सियोमेरी ऑफिस के कंप्यूटर को हैक कर लेती है और इससे पहले कि डायरेक्टर वापस से ऑफिस के अंदर आती, सियोमेरी उन सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेती है। तभी डायरेक्टर अंदर आ जाती है और अब उसे पता चल जाता है कि ये दोनों कोई कपल नहीं है। वो इन्हें पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तो विंसेंजो और योंग दोनों झूठ बोल देते हैं और उसे बताते हैं कि हम फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस इटली के एजेंट हैं और हम उन पेंटिंग्स की तलाश कर रहे हैं जो कि इटली से स्मगल की गई थी। ये लोग मिलकर डायरेक्टर को काफी डरा देते हैं। तभी डायरेक्टर कहती है कि हाँ, मैंने एक पेंटिंग चुराई थी। तब ये लोग उसे उस पेंटिंग को वापस करने के लिए कहते हैं और सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का ऑर्डर देते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद विंसेंजो योंग को बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाकर ड्रिंक करने के लिए कहता है, तो योंग बियर लेने के लिए चली जाती है। तभी विंसेंजो रूफटॉप पर चला जाता है जहां दो लोग उस पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन विंसेंजो चालाकी से एक पर्सन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पलाऊ ने भेजा है ना। लेकिन इतना कहते ही पीछे से एक और पर्सन विंसेंजो के ऊपर गन पॉइंट करता है और ये लोग विंसेंजो को इंजर्ड करके उसे काबू कर लेते हैं। इससे पहले अब ये लोग विंसेंजो को मार डालते, काफी सारे पीजेंस यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। फिर विंसेंजो इस चीज का फायदा उठाता है और इन सबको मार डालता है। दरअसल ये सारे पीजेंस विंसेंजो का दोस्त विंजर की पीजन लेकर आया था जो कि उसकी रूम की विंडो पर रहता है। हालांकि विंसेंजो उसे हमेशा शोर करने पर डांटता था, लेकिन आज उसने विंसेंजो की जान बचा ली। इधर हम जून को देखते हैं जो कि आर्ट गैलरी में पहुंचकर डायरेक्टर के ऊपर काफी चिल्लाता है और उसने गुस्से में उस मास्टरपीस पेंटिंग को भी तोड़ दिया था। इसके बाद वो कोरिया से जाने का डिसाइड करता है क्योंकि सारी एविडेंसेस अब उसके खिलाफ थे। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि मुझे विंसेंजो की डेड बॉडी देखनी है। इसी बीच विंसेंजो हांसियो के पास उन लोगों की डेड बॉडीज की फोटो भेजता है जो कि उसे मारने के लिए आए थे। ये देखकर मियोंग काफी शॉक हो जाती है और अब वो जून को यहाँ से निकालने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। लेकिन बाहर आते ही इनकी मुलाकात प्रोसिक्यूटर हंग से होती है जो कि जून को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी ओर इस बारे में योंग विंसेंजो को बताती है। अगले दिन सभी लोग ब्रेकिंग न्यूज के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब होंग भी बाबिल ग्रुप से मिल चुका था क्योंकि वो मीडिया में ये कहता है कि मैंने बाबिल पर झूठा इल्जाम लगाया है और वो कंपनी तो बिल्कुल इनोसेंट है। जो देखकर योंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में होंग से मिलने के लिए जाने लगती है, पर विंसेंजो उसे रोकता है और कहता है कि होंग अभी तुमसे नहीं मिलेगा, इसीलिए हम दोनों बाद में उससे मिलेंगे। इधर होंग ताय के पास जाता है तो ताय उसे कहता है कि मैं दिखावे के लिए तुम्हें 2 वीक्स के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये न लगे कि तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिली और बाद में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि होंग ने जून के साथ ये डील की थी कि अगर वो जून को छोड़ देगा तो वो उसका प्रमोशन करवाकर उसे चीफ प्रोसिक्यूटर बनवा देगा। इसके बाद होंग अपने घर जाता है जहाँ विंसेंजो पहले से ही आया हुआ था। होंग उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ मत करना। जिस पर विंसेंजो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें तब मारूंगा जब तुम्हारी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। इसके बाद योंग विंसेंजो के साथ मिलकर ग्योंगजा के लिए डे आउट प्लान करती है जहाँ विंसेंजो अपनी मदर के लिए गिफ्ट खरीदता है। साथ ही साथ योंग उसे ये भी कहती है कि तुम्हें अब अपनी मदर को बता देना चाहिए कि तुम ये उसके खोए हुए बेटे हो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी कम टाइम बचा है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाद में तुम्हें काफी रिग्रेट होगा। जिसके बाद ये दोनों ग्योंगजा से मिलने जाते हैं और अब ग्योंगजा अपने केस को रीओपन करने के लिए भी तैयार हो गई थी। वो इन्हें पूछती है कि क्या तुम मेरे इस केस में हेल्प करोगे, तो ये दोनों उसका केस हायर करने के लिए हाँ कह देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जून अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी के बारे में डेली डाइचिंग कंपनी से एक आर्टिकल छपवाता है जिसकी वजह से उसकी कंपनी के शेयर्स काफी प्रॉफिट में चले जाते हैं। और जब इस बात का विंसेंजो और योंग को पता चलता है तो ये सभी काफी परेशान हो जाते हैं। इनकी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग अब क्या करें। तभी विंसेंजो उन्हें गिलोटिन फाइल दिखाता है। दरअसल विंसेंजो ने उस दिन वो फाइल चुपके से अपनी जेब में रख ली थी और जो के सामने उसने सिर्फ खाली बार बेसमेंट के अंदर फेंका था। खैर आगे ये लोग उस फाइल को ओपन करके चेक करते हैं और विंसेंजो ये डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइल की हेल्प से बाबिल फार्मास्यूटिकल और डेली डाइजिंग कंपनी को आपस में ही लड़वाएगा। तभी यहाँ पर हांसियो आ जाता है जो कि विंसेंजो से एक बार फिर से हाथ मिलाने के लिए आया था, लेकिन विंसेंजो उसे मना कर देता है। पर हांसियो ने तो जिद पकड़ी हुई थी, इसलिए विंसेंजो इस बारे में थोड़ा सोचकर विचार करता है। जिसके बाद मियोंग जून को बताती है कि उस गिलोटिन फाइल के साथ साथ प्लाजा के नीचे काफी सारा गोल्ड भी मौजूद है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उस प्लाजा को तुड़वाकर वो फाइल निकाल लेनी चाहिए क्योंकि अगर वो फाइल गलत हाथों में आ गई तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे।
इसके बाद नम उस ग्यूलोटेल फाइल को अच्छे से रीड करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि डाइचिंग कंपनी के सीईओ बे ने उस कंपनी को हासिल करने के लिए अपने भाई को ट्रैकिंग के दौरान मरवा दिया था, लेकिन वहां मौजूद एनवायरमेंटल कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। पर वो कैमरा पुलिस के नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन सर्विस के हाथ लगा, जिस कारण से बे को जेल नहीं हुई और प्रोसिक्यूशन सर्विस ने इसके बदले बे को ब्लैकमेल किया। फिर बाद में पूरा सीक्रेट ग्यूलोटिन फाइल के अंदर बंद कर दिया गया। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि बे अपनी कोई भी डिसीजन समन से पूछे बगैर नहीं लेता, लेकिन वो शमन खुद असॉल्ट के केस में कई बार जेल जा चुका है। खैर आगे विंसेंजो अपनी टीम के साथ मिलकर उस शमन को किडनैप कर लेता है और उसे डरा धमका कर कहता है कि तुम बे को कहो कि तुम्हारे पास वो ना आए बल्कि मेरे शमन के पास आए। फिर प्लाजा के सभी लोग विंसेंजो को शमन बनाने का ड्रामा करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम बे को देखते हैं जो कि अपने शमन के पास जाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अब मैं उतना पावरफुल नहीं रहा, इसलिए तुम ग्युमगा प्लाजा में मौजूद एक शमन के पास चले जाओ। फाइनली अब बे प्लाजा पहुंचता है, जहां इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया हुआ था। बे जैसे ही ऑफिस के अंदर जाता है तो वहां पर विंसेंजो और यंग कुछ स्टाइल के अंदर बैठे हुए थे। विंसेंजो उसके सामने उसके भाई की सोल आने का ड्रामा करता है और उसे काफी डराते हुए कहता है कि तुम्हें बाबिल के साथ रिलेशनशिप तोड़कर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना तुम्हारे भाई की आत्मा तुम्हें ले जाएगी, जिसे तुमने पहाड़ी से गिराकर मार दिया था, और ये काम 5 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अब उसकी इन बातों को भी सच मान लेता है और वो काफी ज्यादा डर भी जाता है, जिसके बाद नम विंसेंजो को बताता है कि जुन ने स्कूल टाइम में भी 4 लड़कों को छोटी छोटी बात के पीछे जान से मार दिया था, और वो उन्हें मारने के बाद उन सबकी वॉचेस को एज अ प्राइज अपने पास ही रख लेता था। इतना ही नहीं, वो इस बात को हर किसी के साथ शेयर भी करता था, यानी कि बचपन से ही वो एक साइको है। जिसके बाद भी बाबिल कंपनी के अगेंस्ट एक न्यूज पब्लिश करता है, जिसे देखकर जुन बे को खरी-खोटी सुनाने लगता है, लेकिन बे उसे कहता है कि मैं तो अब सिर्फ सच्ची न्यूज ही पब्लिश करूंगा। जिसके बाद वो दोबारा शमन यानी कि विंसेंजो के पास जाता है, जो उसे बताता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, इसलिए अब तुम्हें खुद की जान बचाने के लिए जल्दी से जल्दी बाबिल की चेयरमैन यानी कि जुन के सभी काले कारनामों को दुनिया के सामने लाना होगा, वरना उसने जिन जिन लोगों को मारा है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और इसी बीच तुम भी मारे जाओगे। इसीलिए अगले दिन ये न्यूज फैल जाती है कि बाबिल के चेयरमैन ने अपने 4 स्कूलमेट्स की जान ली थी, इसीलिए बाबिल का चेयरमैन एक मर्डरर है। और ये सब देखकर जुन मियोंग हानसियो सभी के होश उड़ जाते हैं और ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर डाइचिंग कंपनी का सीईओ को इस बात के बारे में कैसे पता चला। अगले सीन में जो प्लाजा के पार्किंग के पास होता है, जो कि विंसेंजो को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे जो पर अटैक कर देते हैं और उसके साथ फाइट करने लगते हैं। उसी वक्त विंसेंजो भी वहां पर आ जाता है और उन सबको पीट कर वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ मियोंग जुन को विंसेंजो की मदर के बारे में बताती है और जल्द ही उसे ढूंढने का प्रॉमिस करती है, यानी कि अब ये लोग विंसेंजो को काबू करने के लिए उसकी मदर को टारगेट करेंगे। फिर जब विंसेंजो प्लाजा जा रहा होता है, जहां उसकी नजर एक स्ट्रेंजर पर पड़ती है, जो कि विंसेंजो को देखकर रूफटॉप की ओर भागने लगता है। विंसेंजो भी उसके पीछे जाता है। इसी बीच रूफटॉप से डाइचिंग का सीईओ बे की बॉडी नीचे गिरती है, जो देखकर विंसेंजो शॉक हो जाता है। तभी पुलिस भी वहां पर आ जाती है और विंसेंजो को अरेस्ट कर लेती है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थे आज के वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।